पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। उत्तर प्रदेश के आगरा के फतेहाबाद विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। साथ ही गांव-गांव जाकर बुजुर्गों एवं क्षेत्र की जनता से अपने समर्थन में वोट मांगे। रूपाली दीक्षित ने जनसंपर्क करने से पहले मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा। को जो समाजवादी पार्टी 93 विधानसभा से जो प्रत्याशी घोषित किया गया, क्या कुछ कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे मौके वैसे बहुत कम लोगों को मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक मौका है। और वो जो एक नया समाजवादी जो पार्टी का एक नया स्लोगन है, ये मेरे हिसाब से उसका एक पहला एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, नई हवा, नई लय, नया युवा वाला। और ये जो इन्होंने सम्मान दिया है मुझे, मैं चाहती हूँ कि सम्मान को बरकरार करते हुए ये सीट मैं उनको उनके खाते में दूँ। और कहीं ना कहीं जो मैसेज है, जो कहीं ना कहीं अभी पार्टी का नहीं पहुँच पा रहा है, उस मैसेज को इस लेवल पर दूँ कि उनकी जो लोग जो उनकी छवि है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको बताऊं कि ऐसा नहीं है। अगर आप सही प्रत्याशी तरीके से चुन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी उस तरीके से काम कर रही है कि आपको अपना हर लेवल पे पहुंचाए और अपना कहीं ना कहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।